हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको डाइबल भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पे दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है वो ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम होता है। और ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम पे आपको पता है एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। हालांकि ये जो डाइबल है ये काम तो रिड्यूसिंग एजेंट का ही करता है, लेकिन मैं यहां कहूंगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। आई होप आप इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वर्ड से समझ रहे होंगे कुछ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना, LaLH4 लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो एल्यूमिनियम जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, और एल्यूमिनियम टेट्रावेलेंट होने के कारण यहाँ से H नेगेटिव यानी हाइड्राइड का ट्रांसफर बहुत ईजी होता है। लेकिन डाइबल में क्या है, डाइबल में जो एल्यूमिनियम है वो ट्राइवेलेंट है, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, और जब तक ये टेट्रावेलेंट नहीं बनता तब तक ये हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो पहले तो इसे टेट्रावेलेंट बनने की जरूरत है। टेट्रावेलेंट बनने के लिए मुझे एक बात बताना, ये अपने एम्प्टी पी ऑर्बिटल में किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा? ठीक है, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके टेट्रावेलेंसी में आएगा और फिर हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक ही तो हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा है। इसके रिडक्शंस में भी देखेंगे ये किस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट तो होता ही है। ठीक है, अगर इसी डाइबल की कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये जो डाइबल होता है ये पायरोफोरिक होता है, नेचर में पायरोफोरिक होता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 50 डिग्री से ऊपर पे ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे ये फायर कैच कर देता है। इसलिए डाइबल की जो रिएक्शंस हैं उनको हमेशा लो टेम्परेचर में कैरी आउट किया जाता है, डाइबल की रिएक्शंस को हमेशा लो टेम्परेचर में कैरी आउट किया जाता है ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन एंड फायर कैचिंग प्रॉपर्टीज। अगर इसके रिएक्शन में सॉल्वेंट्स की बात करूं तो डाइबल की रिएक्शंस में जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं वो जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं C6H6। ठीक है, C6H6 नहीं, C6H14 हेक्सेन। ठीक है, इसके अलावा जो मैं ले लूं ईथर्स ले लेता हूं, ईथर्स जैसे THF हो गया, या मैं किसी भी ईथर को ऐसे लिखता हूं R2O। तो डाइबल की रिएक्शन में जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ईथर्स होते हैं। कभी भी एल्कोहल्स को या वाटर को एज ए सॉल्वेंट नहीं लिया जाता डाइबल की रिएक्शंस में, क्योंकि डाइबल इनके साथ रिएक्ट करता है, डाइबल इनके साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, वाटर के साथ तो इवन ये रूम के टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेता है, तो इसलिए डाइबल के रिएक्शंस में एल्कोहल और वाटर को नहीं लिया जाता। अब इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मैं यूं कहता हूं ये एल्डिहाइड्स को एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल्स में चेंज करता है। ठीक है, और कीटोन्स को सेकेंडरी एल्कोहल में चेंज करता है, एल्डिहाइड्स को प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन्स को सेकेंडरी एल्कोहल में। ये तो जनरल है, RCHO और ये हो जाएगा RCH2OH,
इसके अलावा इसको लिखूंगा RCOR और इसको लिखूंगा RCHOH और R, ठीक है। मैं इसकी दूसरी कंपाउंड्स के साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ एस्टर्स की, डाइबल जब डाला जाएगा तो डाइबल जो है वो एस्टर्स को रिड्यूस करता है, लैक्टोन्स को रिड्यूस करता है, ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे इसका। इसके अलावा डाइबल जो है वो साइनाइड्स को रिड्यूस करता है, RCN, इनकी बात करते हैं। एस्टर्स जैसे लूँ तो एस्टर क्या होता है, RCH2, ऐसे ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है, ये एस्टर है। डाइबल, इसका रिडक्शन डाइबल के थ्रू इस बात पे डिपेंड करता है कि डाइबल का एक इक्विवेलेंट यूज करना है कि डाइबल के दो इक्विवेलेंट यूज करने हैं। अगर डाइबल का एक इक्विवेलेंट यूज किया तो इस कंपाउंड का, इस एस्टर का बनता है एल्डिहाइड, और डाइबल के अगर दो इक्विवेलेंट यूज किए गए तो इस एस्टर का बनता है एल्कोहल, RCH2OH। इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट कितना यूज किया गया डाइबल का। नेट के एग्जाम में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप एल्डिहाइड बनाओगे, कई बार ऐसा होता है कि डाइबल डाल दिया, ये मेंशन नहीं किया कि एक इक्विवेलेंट है दो इक्विवेलेंट है, तो आप एल्डिहाइड बनाओगे या अल्कोहल बनाओगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको फर्दर रिएक्शन किससे करानी है और दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना नेट के एग्जाम में। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि एस्टर का रिडक्शन कैसे होता है, तो मैं एस्टर लेता हूं RC डबल बॉन्ड OET और मैं डाइबल को लिखता हूं ट्वाइस। सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेरिस एल्यूमिनियम के एम्प्टी प्योर बिटल में देगा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद इस पे AlH और आइसोब्यूटाइल के दो मॉलिक्यूल हैं, और क्योंकि एल्यूमिनियम टेट्रावेलेंट हो गया, इसकी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OET। अब देखो ऐसा होने के दो फायदे हुए। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन से लेगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए एक्टिवेट हो गया, क्यों एक्टिवेट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की इस एल्यूमिनियम पे ट्रांसफर होने का पहला बेनिफिट, कार्बोनिल कार्बन गेट्स एक्टिवेटेड, कार्बोनिल कार्बन गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। दूसरा फायदा देखना, अभी एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंसी में था तो हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर सकता, अब एल्यूमिनियम टेट्रावेलेंट है तो यहां से ये हाइड्राइड इस कार्बन पे ट्रांसफर हो सकता है, यानी सेकंड जो बेनिफिट है वो एल्यूमिनियम गेट्स टेट्रावेलेंट या एल्यूमिनियम बिकम्स टेट्रावेलेंट एंड हाइड्राइड ट्रांसफर बिकम्स इजी, हाइड्राइड ट्रांसफर बिकम्स इजी, हाइड्राइड ट्रांसफर इजी हो जाता है। अब क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर यहां पे होगा तो क्या बनेगा, RCOAL आइसोब्यूटाइल दो ग्रुप है, यहां H है और ये OET है, ठीक है, ये हो गया वन स्टेप रिडक्शन। अब देखना ये क्या है, ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, क्या होगा अगर एक ही इक्विवेलेंट डाइबल का यूज किया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कंजुगेशन में आएगा, यहां से OET बाहर, और OET के बाहर जाने पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड, एस्टर से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और फिर फर्दर अगर मैं फर्दर डाइबल डालता हूं तो क्या होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है कि एल्कोहल में, यहां बन जाएगा RCH2OH, ठीक है, RCH2OH ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अच्छा यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पे जब वापस आएगा तो यहां पे हमें वर्कअप की नीड पड़ेगी,
वर्कअप करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे एक एस्टर से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड में फर्दर डाइबल डाल के एल्कोहल बनता है। अब अगर मैं अगला एग्जांपल ले लूं किसका, लैक्टोन्स का। आपको पता है लैक्टोन्स क्या होते हैं, लैक्टोन्स होते हैं साइक्लिक एस्टर्स। तो लैक्टोन्स का रिडक्शन कैसे होता है, डाइबल लैक्टोन्स का रिडक्शन किस में करता है, डाइबल लैक्टोन्स का रिडक्शन करता है लैक्टोल्स में। आपने लैक्टोल्स एक स्टेज पे पढ़ा था, अगर मैं इसी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं तो ये किस में करता है, डायोल में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन ले लूं, मैं देखना इलेक्ट्रॉन लेता हूं, ये मैंने दो रिंग ली यहां पे, यहां पे मैं लेता हूं डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, इसको और एक्सटेंड कर लेता हूं थोड़ा, और इसमें मैंने डाला डाइबल। तो डाइबल क्या करता है, टोल्यून के प्रेजेंस में डालता हूँ डाइबल को, ये सॉल्वेंट हो गया, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोल रिंग को, इलेक्ट्रॉन रिंग को लैक्टोल में बदल देगा। कैसे, देखो क्या करेगा, एक एच यहां लगाएगा, एक एच यहां लगाएगा इस ऑक्सीजन पे और एक लगाएगा इस कार्बन पे। कैसे, देखो ओ ना, इस पे कार्बन है, यहां पे एक एच, एक ओ एच, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ाई है, ये बन गया लैक्टोल। क्या बन गया, ये लैक्टोल। और ये ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आता है, मैंने जब आपको लैक्टोल की सिंथेसिस कैसे बनता है ये समझाया था लैक्टोन से, तो वहां पे मैंने ये समझाया था, ये जो हाइड्रोजन है ये तो आएगा डाइबल से, और ये जो हाइड्रोजन है ये आता है वर्कअप से। वर्कअप से कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है, तो वो हाइड्रोजन तो आता है रिड्यूसिंग एजेंट से, और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आता है वो वर्कअप से आता है हमेशा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल है, इस इलेक्ट्रोल की रिंग की अगर ओपनिंग हो तो ऐसे हो सकती है ओपनिंग, कैसे, मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये है सी, यहां पे डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां पे है ओ एच, ठीक है, ये ओ नेगेटिव बनेगा, ये ओ नेगेटिव इस एच पॉजिटिव को ले लेगा, और यहाँ पे ये रिंग है, इस लैक्टोल रिंग को मैं ऐसे ओपन करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लैक्टोन से क्या मिलता है, लैक्टोल मिलता है डाइबल का यूज करके। एस्टर्स में के रिडक्शन में ही अगर मैं ले लूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, तो इससे क्या बनता है, डाइबल। देखना मैं एग्जांपल लेता हूं, डाइबल का यूज करके मेजरली केसेस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर से अलाइलिक एल्कोहल बनाई जाती है, अलाइलिक एल्कोहल बनाई जाती है। आपको मैंने पीछे समझाया था कि अगर मैं कोई एस्टर ले लूं, ठीक है, तो डाइबल का एक इक्विवेलेंट लेके तो क्या बनता है, ये एल्डिहाइड बनता है, और एक और इक्विवेलेंट अगर डाइबल का यूज कर लिया तो ये क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। यानी एस्टर से एल्कोहल बनाना है तो यहां पे आपको डाइबल के कितने इक्विवेलेंट चाहिए, टू। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये डाइबल की बहुत बड़ी सिंथेटिक यूटिलिटी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर से अलाइलिक एल्कोहल बनाना। इसमें मैं देखना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ऐसे लिखूं, CO2ET, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा वाला कार्बन, इसको मैं CH3 लिख दूं, और यहां डबल बॉन्ड, एक एच यहां, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन गया। अलाइलिक एल्कोहल जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस एस्टर को रिड्यूस कर देंगे, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, क्या बनेगा अलाइलिक एल्कोहल, देखना CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, यही बनेगा एलाइलिक एल्कोहल। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एलाइलिक पोजीशन, इस पे OH, तो यहां पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला, ये रिड्यूस नहीं हुआ है, और यही इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी है कि एस्टर ग्रुप को तो रिड्यूस करता है लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
double bond is not affected, is alpha affected. इसमें देखो अल्फाबेट, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, वो ऐसे लिख लेता हूँ OET, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में डाइबल अल्फा बीटा वाले अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता और यही इसकी बड़ी, बहुत बड़ी सिंथेटिक यूटिलिटी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है दो इक्विवेलेंट मेंशन किया गया हो या नहीं। अगर दो इक्विवेलेंट मेंशन है तो अल्कोहल बनना ही है, और अगर दो इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया गया तो भी आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर से अल्कोहल ही बनाना है। ये इसकी बहुत बड़ी सिंथेटिक यूटिलिटी होने के कारण कई बार दो इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया जाता एग्जाम्स में। देखना एक एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मैंने डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ CO2 ET डबल बॉन्ड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला डाइबल। अगर मैंने यहाँ पे दो इक्विवेलेंट लिखा तो भी अल्कोहल बनेगा, नहीं लिखा तो भी अल्कोहल ही बनाना मेजरली केसेस में। और डिमांड पे देख लेना कि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस पे डिपेंडेंसी के हिसाब से भी देख लेना। CH2OH क्या बन गई है, अलाइलिक अल्कोहल बन गई, और ये अलाइलिक अल्कोहल बन गई तो मुझे बताना क्या इस पे आप शार्पलेस एसिमेट्री के पोक्सीडेशन कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको ध्यान हो शार्पलेस का कंसेप्ट तो अलाइलिक अल्कोहल पे होता है। तो ये सिंथेटिक यूटिलिटी है। अच्छा, मैंने कहा कि दो इक्विवेलेंट मेंशन हो चाहे ना हो इसको बनाना अल्कोहल को, ये डिपेंड करता है अगली रिएक्शन कौन सी है। मान लो यहां से एक रिएक्शन और दे दी शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन तो अल्कोहल ही बनानी है, ठीक है। मान लो यहां पे शार्पलेस की जगह कोई और रिएक्शन दे दी एल्डिहाइड की, मान लो मैंने मैनिक करा दी, तो अल्कोहल की तो मैनिक रिएक्शन होती नहीं। मैनिक रिएक्शन में मान लो मैंने डाल दिया NHMe ट्वाइस, यहां पे डाल दिया HCHO और डाल दिया HCl, तो यहां पे मैनिक कराने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। यानी अब आप इससे अल्कोहल नहीं बनाओगे, इससे क्या बनाओगे, इससे आप ये एल्डिहाइड बनाओगे, ये एल्डिहाइड बनाओगे, क्योंकि मैनिक एल्डिहाइड से होती है। तो रिएक्शन पे मैंने ये कहा कि यूटिलिटी के हिसाब से भी देखना कि अलाइलिक अल्कोहल बनती है, लेकिन आगे जो रिएक्शन हो रही है उसके हिसाब से भी देख लेना कि कहीं आपको एल्डिहाइड की जरूरत तो नहीं है। वैसे मेजरली केस आपको यही देखने को मिलेंगे जहां पे ये अलाइलिक अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी पे चलते हैं। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी मैं साइनाइड्स के केस में लेता हूँ, RC(NN). यहाँ पे भी दो केस आएंगे कि डाइबल का एक इक्विवेलेंट यूज किया गया है या डाइबल के दो इक्विवेलेंट यूज किए गए, ये मैटर करेगा। अगर एक इक्विवेलेंट यूज किया है तो मुझे बताना, सबसे पहले डाइबल को मैं ऐसे लिख लू एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस और H नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, क्या ये बनेगा C(NN) पॉजिटिव Al आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस H और ये नेगेटिव, फिर ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन पे, क्या बना, यहाँ पे बना RCH(NN) Al आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस। अब अगर एक इक्विवेलेंट डाला हुआ है तो फर्दर क्या होगा, फर्दर होगा वर्कअप, और वर्कअप होने से इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा एल्डिहाइड। यानी मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूं तो अगर एक मोल दिया गया हुआ है डाइबल का तो साइनाइड से आपको एल्डिहाइड बनाना है, और अगर दो मोल दिए गए हैं, दो मोल दिए गए हैं तो आपको बनाना है अमीन, आपको बनाना है अमीन RCH2NH2, ठीक है। वर्कअप भी होगा यहाँ पे, दो मोल वर्कअप। अगर मैं इसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करूं कि ये अमीन कैसे बनेगी तो देखना, अमीन बनने के केस में जैसे ये आपने साइनाइड लिया, सबसे पहले आपने डाला
डाइबल का एक मॉलिक्यूल, आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस, नाइट्रोजन ने यहाँ अटैक किया, ये तो आपको पता ही है कि ये बनेगा Al आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस। फर्दर क्या होगा, फर्दर डाइबल का एक और मॉलिक्यूल डाला जाएगा Al आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस, फर्दर नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा और यहाँ से H नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ क्या बनेगा R CH2 N और इस पे दो ये ग्रुप लग जाएंगे दो। अब हाइड्रोलिसिस जब होगी एसिडिक वर्कअप, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, सॉरी ये नहीं टूटेगा, ये ग्रुप हट जाएगा R CH2 एन एच टू, ये अमीन बन जाएगी, ये नहीं टूटेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये एल्यूमिनियम हटेगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं, अगर अमाइड्स लिए जाएं, अमाइड्स और डाइबल का एक इक्विवेलेंट डाला जाए तो डाइबल अमाइड्स को जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर अल्वाइड अमाइड में लूँ आर सी ओ एन आर टू ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाइबल डाला तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो डाइबल क्या करता है, अगर डाइबल का एक इक्विवेलेंट डाला जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और अगर डाइबल का दो एक इक्विवेलेंट और डाला जाए तो इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए डाइबल के आपको दो इक्विवेलेंट की जरूरत है, एक इक्विवेलेंट से सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। तो ये कुछ और सिंथेटिक यूटिलिटीज थी, मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पे रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दो एग्जांपल करवाना चाहता हूं आपको, देखना। जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ओ एम ई, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ CH2H5, यहाँ पे ले लेता हूँ H, ठीक है, और एक ले ले यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखना ये जो अमाइड है, अगर यहाँ पे OSIME3 ग्रुप हो तो इस अमाइड को वीन रब अमाइड कहते हैं, वीन रब अमाइड। अगर इस C2H5 को हटा के OSIME3 कर दूं तो नॉर्मल अमाइड है, हमें तो इससे मतलब नहीं है। डाइबल, ठीक है, डाला मैंने, तो डाइबल क्या करेगा, जब तक नहीं मेंशन किया हुआ आप ये एक इक्विवेलेंट मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, ये अमाइड है इथाइल CH3, किस अमाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। तो ये मैंने आपको बताया ही, अमाइड को एक इक्विवेलेंट डाइबल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब डाइबल की अगली सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, डाइबल की रिएक्शन किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। सबसे पहले मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं, तो यहां पे देखना डाइबल क्या होता है, डाइबल होता है ये BO2H, यहाँ पे डाइबल क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट है, और अगर एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है तो क्या मैं इसको हाइड्रोबोरेशन के इस रिएजेंट की तरह कंपेयर कर सकता हूँ, हाइड्रोबोरेशन, एल्कीन पे ही रिएक्शन होती थी हाइड्रोबोरेशन, मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन के बारे में पढ़ाया भी था। तो देखना ट्राइवेलेंट जब एल्यूमिनियम है, बोरोन फैमिली का ही है, तो कुछ कुछ सिमिलर हुआ, तो मैं अगर एक एल्कीन ऐसे ले लूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और
इसमें मैं डालता हूँ डाइबल एच एल आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस। तो देखो ये एल्किन किस तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये डाइबल इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये एल्किन इस डाइबल के एल्यूमिनियम के एम्प्टी पी में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी CH2, ऐसे कहता हूँ पार्शियल CH2, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ पार्शियल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ एच, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल हाइड्रोबोरेशन की तरह। फिर यहाँ से एच नेगेटिव की पार्शियल डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर, क्या बनाऊँ CH2, पार्शियल बॉन्डिंग एच, पार्शियल बॉन्डिंग यहाँ CH2, पार्शियल बॉन्ड इस एल्यूमिनियम के साथ और पार्शियल बॉन्ड यहाँ आइसोब्यूटाइल, दो ग्रुप हैं, ठीक है। और फिर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कम्प्लीटली टूटेगा, एक कार्बन पे एच लग गया और एक कार्बन पे एल्यूमिनियम और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लग गए, ठीक है। बिल्कुल किस तरह होगी, हाइड्रोबोरेशन की तरह हो गई। अब हाइड्रोबोरेशन की तरह इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यहाँ पे डालो H2O2 NaOH, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, क्या लग जाएगा CH2H CH2 और OH। तो इस तरीके से ये, इस प्रोसेस को मैं हाइड्रो एल्यूमिनेशन का नाम दे सकता हूं, एल्यूमिनेशन। कितनी प्रोसेस, यहां तक की प्रोसेस को, जहां पे आपने एक डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो और एक एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनेशन लगा दिया है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया, एक पे एल्यूमिनियम लगाया, तो हाइड्रो एल्यूमिनेशन कह दूं, ठीक है। तो बिल्कुल हाइड्रोबोरेशन की तरह है ये, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे यहां पे मैं लिखूंगा सिमिलर टू हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। ये तो केस है डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का केस लेते हैं, कार्बन नहीं, इससे पहले मैं एक एग्जांपल और लूंगा जो हाइड्रोबोरेशन से मिलता जुलता है। अभी तक तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल थी, देखना अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूं, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करा दूं डाइबल की, तो अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हाइड्रोजन यहां लगे या हाइड्रोजन यहां लगे, ठीक है, या फिर ऐसे कहूं या तो ये एल्यूमिनियम यहां मोर हिंडर्ड साइट पे अटैच हो मोर हिंडर्ड, या यहां पे मैं लिखूं लेस हिंडर्ड। हाइड्रोबोरेशन में आपने पढ़ा था कि जो बोरोन होता था वो लेस हिंडर्ड साइट पे अटैच होता था, और बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां है कि हाइड्रोजन को तो मोर हिंडर्ड पे लगाना और एल्यूमिनियम को लेस हिंडर्ड पे लगाना। मैंने अभी कहा था सिमिलर टू हाइड्रोबोरेशन है, तो सारे कंसेप्ट वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मैं चलता हूं ट्रिपल बॉन्ड के केस पे, देखना बच्चों, अगला केस में लेता हूं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में मैं यूं कहता हूं, देखना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक एग्जाम्पल ये ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और मुझे क्या कराना है हाइड्रो एल्यूमिनेशन, ठीक है, डाइबल की रिएक्शन करानी है आइसोब्यूटाइल के ट्वाइस। तो देखो H को मैं यहां जोड़ दूं, एल्यूमिनियम को यहां जोड़ दूं और एक बॉन्ड हटा दूं, ऐसा ही किया था, डबल बॉन्ड CH, H यहां जोड़ी Al आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस, ऐसे ही किया था, देखना अभी ऐसे ही तो किया था, बिल्कुल C डबल बॉन्ड CH और एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल की जगह R2 लिख लेता हूं, एक पे H लगा दिया था और एक पे एल्यूमिनियम और आइसोब्यूटाइल की जगह मैंने R2 लिखा था, ठीक है, यही हुआ है। अब मैं थोड़ी सी रिजियो सेलेक्टिविटी की बात कर लेता हूं, जो मैंने पीछे भी की थी। रिजियो सेलेक्टिविटी क्या थी, रिजियो सेलेक्टिविटी जैसे अभी तक तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, सिमेट्रिकल एल्काइन थी, अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेता हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और अब देखना इस पे मैं हाइड्रो एल्यूमिनेशन कराता हूं एच एल आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस। अब देखो दो पॉसिबिलिटी फिर से, या तो एल्यूमिनियम यहां लगे या फिर एल्यूमिनियम यहां लगे, आपको पता है एल्यूमिनियम कहां लगेगा, लेस स्टेरिक एंट्रेंस वाले कार्बन पे,
तो इस पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है तो एल्यूमिनियम कहाँ लगेगा, यहाँ, और हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, यहाँ। आर सी एच डबल बोंड, ट्रिपल नहीं, डबल बोंड, ठीक है, सी एच और ए एल आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस, ठीक है। किसी को अगर ऐसे ना समझ आ रहा हो तो एक बार एल्यूमिनियम को इधर लगा के देख लो, मैं लिखूं आर सी और ये एल्यूमिनियम, आइसोब्यूटाइल को भी थोड़ा ओपन करके लिख लेता हूँ, देखना ये मैंने आइसोब्यूटाइल लिखा और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड और यहाँ सी एच और यहाँ लगाया एच, ठीक है। अब मुझे बताना यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो इसलिए मैंने एल्यूमिनियम को मोर हंड्रेड कार्बन पे नहीं लगाया था। एल्यूमिनियम को जब स्टेरिक लेस हंड्रेड कार्बन पे लगाया तो स्टेरिक एंट्रेंस का कोई केस नहीं आता, इसलिए ये प्रेफर्ड है और ये प्रेफर्ड नहीं है। यही होती है रीजियो सेलेक्टिविटी के किस कार्बन पे लगाएं, रीजन सेलेक्ट करना। इसी के साथ साथ मैं एक स्टीरियो सेलेक्टिविटी और लेता हूं, सेलेक्टिविटी देखना, ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे दो आर, एक आर और एक एच है, इस कार्बन पे एक एच और एक ये एल्यूमिनियम और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिस भी हो सकता है और ये डबल बॉन्ड ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में यही डिस्कस करेंगे कि ये सिस बनेगा या ये ट्रांस बनेगा। इसको समझाने के लिए मैं ये कहता हूं कि देखना यहां पे जो आपने हाइड्रो एल्यूमिनेशन की, इसमें क्या हो रहा है, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे मैंने यहां पे आर लिया, यहां पे एच लिया, उस पर क्या क्या ऐड हो रहा है, उस पर एक हाइड्रोजन और एक एल्यूमिनियम ऐड हो रहा है। तो जब ये ऐड होंगे, देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ करेगा और ये कार्बन इस एल्यूमिनियम के साथ, तो ये जो एडिशन होता है ये सिन एडिशन होता है, ये जो एडिशन होता है सिन एडिशन होता है, यानी जिस साइड आप एच को ऐड करोगे उसी साइड आप एल्यूमिनियम को ऐड करोगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मैंने फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, अभी मैंने पीछे फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी ना, देखना कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एल्यूमिनियम, ये पार्शियल बॉन्ड था, यहां पार्शियल था, यहां पार्शियल था और यहां पार्शियल था। मुझे एक बार बताना, जब ये हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम सेम साइड से है जबी तो ये फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो, या फिर मैं कहूं चार मेंबर रिंग में सिस ही होता है, मैं ऐसे तो नहीं बना सकता कि हाइड्रोजन इधर से ले लूं और ये एल्यूमिनियम इधर से ले लूं और फिर मैं ये चार मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखा दूं, नहीं ना। तो सिन एडिशन होगा, ये एच और ये एल्यूमिनियम का सिन एडिशन। और एक चीज मुझे बताना, सिन एडिशन होगा तो ये आर और ये एच एक साइड रहेंगे और ये एच और ये एल्यूमिनियम एक साइड, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताना क्या ये ट्रांस बन गया। तो ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा, इसको बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना कि सिन एडिशन हो रहा है इस हाइड्रोजन का और इस एल्यूमिनियम का, इस हाइड्रो एल्यूमिनेशन की प्रोसेस में, ठीक है। अब मैं इस डिस्कशन करता हूं कि मैंने डबल बॉन्ड पे, देखना मैंने पीछे जो केस कराए उसमें मैंने डबल बॉन्ड पे से इसको कैसे हटाना है, इसको आइसोब्यूटाइल, इसको बिल्कुल हाइड्रो बोरेशन की तरह का कि H2O2 NaOH से रिएक्शन करा दो और इसको हटा दो। इसको हटाने का तरीका अलग है जब ये डबल बॉन्ड पे लगा है, कंपैरिजन करता हूं, देखना। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने डबल बॉन्ड पे इसकी रिएक्शन कराई, देखना आर सी, यहां पे एक एच ले लेता हूं, यहां पे H2 ले लेता हूं, ठीक है, एच ए एल आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस और यहां पे मैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच ए एल आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस, तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम यहां, यह हाइड्रोजन यहां, आर सी एच टू सी एच टू ए एल आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस, फिर मैंने मान लो H2O2 NaOH डाला और ये हट गया, OH लग गया यहां, ठीक है, आर सी एच टू सी एच टू और यहां पे लिख देता हूं OH। लेकिन इस प्रोसेस में देखना H2O2 NaOH से
क्या 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 मिलता था, OH माइनस। ये OH माइनस सबसे पहले यहाँ अटैक करता है क्योंकि इस एल्यूमिनियम के ऊपर एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। सिमिलरली यहाँ होगा, देखना R C H डबल बॉन्ड C H और Al आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अब हम कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो सबसे पहले इस एल्यूमिनियम पे अटैक करके इसको टेट्रावेलेंट बनाएगा, टेट्रावेलेंट बनाएगा। देखो ये कैसा बॉन्ड है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड है ये, और ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है और ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे डाला मिथाइल लिथियम MeLi, फिर मैंने डाला CO2 और H3O पॉजिटिव, ठीक है। ये मिथाइल लिथियम क्या करेगा, सबसे पहले इस एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, R C डबल बॉन्ड C H H एल्यूमिनियम, इस पे आ गया एक मिथाइल, इस पे दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है तो है ही, और इस एल्यूमिनियम पे आया नेगेटिव चार्ज क्योंकि चार बॉन्ड हो गए। अब किससे रिएक्शन कराई, CO2 से, और आपको पता है CO2 एक पाई एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल, पाई एक एक इलेक्ट्रोफाइल होता है पाई स्टार ऑर्बिटल के कारण, पाई स्टार ऑर्बिटल के कारण एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या करेगा, देखो अब ये ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, एल्यूमिनियम हट जाएगा, यहाँ CO2 लग जाएगी, कैसे, R C H डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ठीक है, और H3O पॉजिटिव से H पॉजिटिव लेके ये क्या बन गया, R C H डबल बॉन्ड C H C O O H। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस एल्यूमिनियम को हटाते टाइम आपको आपको इसको टेट्रावेलेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में एक एग्जांपल और देखना जिसमें इस पे नेगेटिव चार्ज या टेट्रावेलेंट बनाने की नीड नहीं होती। मैं यहाँ पे लिखता हूँ R C ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे पहले मैंने कराया हाइड्रो एल्यूमिनेशन Al आइसो ब्यूटाइल की ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो एल्यूमिनेशन से बना H डबल बॉन्ड C H और Al आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस, और यहाँ पे मैंने डाल दी I2THF के साथ। अब मुझे एक बात बताना, इस एल्यूमिनियम पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा है और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये इस कार्बन की तरफ ज्यादा है रेदर देन एल्यूमिनियम। तो अगर ये टेट्रावेलेंट नहीं भी दिया हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ ज्यादा है, ये ऑर्गेनोमेटलिक की तरह ही बिहेव करते हुए इस आयोडीन पर अटैक करेगा, यहां से आई बाहर और फाइनल कंपाउंड क्या बना, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और आई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस एग्जांपल में टेट्रावेलेंट नहीं बनाया, क्योंकि मैं इसको ऑर्गेनोमेटलिक कह रहा हूं और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कह रहा हूं ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों है, इसके sp2 हाइब्रिड होने के कारण, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जहां से ये एल्यूमिनियम गया है वहीं पे ये आयोडीन आया है। देखो जब तक ये एल्यूमिनियम लगा था तब तक भी ये ट्रांस था, और जब ये आयोडीन लग गया तब भी ये ट्रांस है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जिस साइड से हटेगा आने वाला ग्रुप उसी साइड लगेगा, दूसरी साइड नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जहां से हटेगा आने वाला ग्रुप वहां लगेगा, चाहे डबल बॉन्ड का केस हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला केस करा रहा हूं मैं, दोनों केसेस में रिटेंशन होती है, लिख लेना, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम, या मैं ऐसे लिखता हूं, देखना मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा कि ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ
aluminium during substitution of aluminium retention of stereochemistry will take place. इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया RC(CH), ठीक है, पहला स्टेप हाइड्रो एल्यूमिनेशन ALH आइसोब्यूटाइल की ट्वाइस, दूसरा स्टेप दे दिया, मान लो मैंने डाल दिया I2 THF के साथ, ठीक है, और नीचे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में एक दे दिया ये CH और आयोडीन, और एक दे दिया ये, ठीक है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ठीक है, तो यहां से एल्यूमिनियम हटा था, आप देख सकते हो एग्जांपल में, यहां से हटा था तो यहीं लगेगा, यहीं आयोडीन लगेगा और ये वाला ठीक होगा। ऊपर जो मैंने एक एग्जांपल और कराया था, देखना मैं उसको भी दिखाता हूं, मैंने एग्जांपल कराया था ये, जिसमें मैंने एल्यूमिनियम को COH से रिप्लेस किया था ना, इस एल्यूमिनियम का अटैक किया था CO2 पे और COH बनाया था, वहां पे भी देखना COH उसी साइड आया जहां से एल्यूमिनियम हटा है, जब तक एल्यूमिनियम लगा था तब तक भी ये डबल बोन ट्रांस था, COH आ गया तो भी ये डबल बोन ट्रांस ही है, ठीक है, और इस बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रही है, यही कहना चाहता हूं मैं, एल्यूमिनियम हटेगा तो रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, चाहे वो एल्कीन का केस हो चाहे वो एल्काइन का केस हो, जैसा हम यहां पे देख रहे हैं। ये पूरा कंसेप्ट था बच्चों डाइबल का, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ एक दो चीजें के बारे में और बात करना चाहता हूं कि डाइबल किस किस को रिड्यूस कर सकता है। डाइबल देखना, डाइबल एसिड क्लोराइड्स को रिड्यूस कर सकता है, डाइबल इपोक्साइड्स को भी रिड्यूस कर सकता है, इसके अलावा डाइबल अमाइड्स को तो रिड्यूस कर ही रहा था, लैक्टम्स को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, डाइबल ऑर्थो एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकता है, यानी डाइबल जो है वो एक बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन डाइबल जो है वो सेलेक्टिविटी शो करता है, और वो सेलेक्टिविटी क्या है कि डाइबल कार्बोनिल कार्बन और साइनाइड को प्रेफर करता है रिड्यूस करना ओवर अदर फंक्शनल ग्रुप। बात समझ आ रही है, डाइबल जो है वो कार्बोनिल कार्बन और साइनाइड्स को प्रेफर करता है ओवर अदर डबल और अदर फंक्शनल ग्रुप्स, इस चीज को ध्यान रखना, इस सेलेक्टिविटी को ध्यान रखना कि एल्डिहाइड कीटोन एस्टर्स को प्रेफर करेगा, ठीक है, एस्टर्स हो गया, अमाइड्स हो गया, ठीक है, ओवर दीज ग्रुप्स, साइनाइड्स को प्रेफर करेगा ओवर दीज ग्रुप्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये था बच्चों पूरा कंसेप्ट डाइबल का, थैंक यू स्टूडेंट्स।